मेरठ थाना लेसारी गेट क्षेत्र के विकासपुरी लाल क्वार्टर में सांप निकलने की सूचना पर मचा हड़कंप। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने खाना पूर्ति करते हुए लौट गए। क्षेत्रवासियों का आरोप, वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को ढूंढने की कोशिश नहीं की, इस कारण खेत में सांप की वजह से लोगों में दहशत बनी है। क्षेत्रवासी दिलशाद अहमद बीजेपी कार्यकर्ता ने बताया तो यहां पर लगभग 8-10 दिन से सांप दिखाई दे रहे हैं और यहां के लोग दहशत में हैं और यहां जो जहरीले जीव पैदा हो रहे हैं ये सब सरकार द्वारा बनाए गए लाल क्वार्टर की वजह से हो रहे हैं। गौरव चौहान जी, वन्य जीव रक्षक मेरा क्या मामला जी? हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा सूचना मिली, सूचना पे यहाँ आए और यहाँ देखा, मौत जैसा भी है, सांप बता रहे हैं लोग बीच में बड़ा है, पानी का सांप है। आपको कुछ नजर नहीं आया? मतलब तलाश किया आपने? हमने तलाश किया, हमें नजर नहीं आया। क्या परेशानी की, क्या समस्या है? पिछले 8 दिन से यहाँ कॉलोनी में सांप घूम रहा है। नहीं नहीं, वो तो एकदम दो घंटे पहले कॉलोनी के कुछ लोगों ने सांप देखा था और मैंने पुलिस की सहायता ली, डीएफओ की सहायता ली, डीएफओ ने संबंधित एरिया के वन विभाग की टीम को भेजा था। कहाँ, किस जगह का मामला है ये? विकासपुरी का मामला है सर, लाल क्वार्टर का। अच्छा, लाल क्वार्टर यहाँ पोस्ट ऑफिस के 15 साल से खाली पड़े हैं, ये खंडर हो चुके हैं, यहाँ हरियाली पैदा हो चुकी है, हरियाली में तरह तरह का जीव जहरीला पैदा हो रहा है। यहाँ सांप जो निकला है ये किसने देखा सबसे पहले? यहाँ खुर्रम भाई हैं कॉलोनी में रहने वाले, उन्होंने मुझे बताया। फिर आपने फिर क्या करा? मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा संघ मोर्चा से हूँ और यहाँ पिछले 8-10 रोज से 3-4 सांप देखे गए हैं, जो एक सांप मेरे घर में ही बैठा हुआ था। इत्तफाकन उस दिन वो बच के निकल गया और वही सांप अब कॉलोनी में जगह जगह घूम रहा है, जगह जगह बैठ रहा है, पूरी कॉलोनी में दहशत घुस गई है। और यहाँ पर एक लाल क्वार्टर बने हुए हैं जो सरकारी पोस्ट कैंट के अंडर में आते हैं। एसएसपी रायगढ़ साहब से मेरी 4 दिन पहले वार्ता हुई थी, उसी दिन उनका रिटायरमेंट हो गया है। अब इनकी जगह वीर सिंह जी आए, मुजफ्फरनगर के संबंधित अधिकारी है, उनसे मैं अभी संपर्क में नहीं आया हूँ। महेंद्र पाल जी हैं, उनसे संपर्क में आया हूँ, उन्होंने सुबह मुझे 11 बजे का टाइम दिया और पिछले 15 सालों से ना तो यहाँ पर कोई रिहाइश कर रहे हैं ये लोग और उसकी वजह से इन फ्लैटों में जंगलात की स्थिति पैदा हो चुकी है और जिससे कॉलोनी वाले वासियों का जीना दुभर हो चुका। अब संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने सांप को ऐसे ही ढूंढा ढांडा और ऐसे ही चले गए, बस वो कह गए जब दिखा नहीं तो फिर क्या मारेंगे, तो उस तरीके से तो पब्लिक भी कर देती। जांच से हम संतुष्ट नहीं है, यहाँ दहशत का माहौल बना, दहशत का माहौल बना हुआ है, सब कॉलोनी वासी आपके सामने। जैसे कि अभी अधिकारी ने कहा था कि पानी का सांप है, उन्होंने कैसे अंदाजा लगाया इस चीज का? ये लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।